सुभाष दोडी इनके नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने तहसील कार्यालय पर महामोर्चा निकाला। तहसीलदार को माझी कर्ज माफी झाली नाही के 5000 आवेदन दिए गए। महाराष्ट्र सरकार ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों को गुमराह किया है। रोज नए नए शासन निर्णय निकालकर किसानों को आश्वासन दिया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया से किसान परेशान है, जिससे किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के सरचिट ने सतराजुरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सुभाष दोटे इनके नेतृत्व में तालुका कांग्रेस, युवक कांग्रेस व महिला कांग्रेस की ओर से कोरपना तहसील कार्यालय पर किसानों ने महामोर्चा निकाला। इस समय महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की ओर से शुरू माझी कर्ज माफी झाली नाही इस योजना अंतर्गत किसानों की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भरे 5000 आवेदन तहसीलदार हरीश गाड़े इनकी ओर दिए गए। इस समय पूर्व विधायक सुभाष धोटे ने कहा कि केंद्र के मोदी सरकार और राज्य के फडणवीस सरकार किसान, खेती मजदूर, कामगार, शोषित पीड़ितों को केवल आश्वासन दे रहे है, लेकिन प्रत्यक्ष में कितने किसानों की कर्ज माफी हुई, ऐसा सवाल उन्होंने शासन को किया। शासन ने पिछड़े और आदिवासी इलाके के किसानों को ऑनलाइन आवेदन भरने की सूचना की है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन भरने आदिवासी इलाके के किसानों को संभव नहीं होता। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्य में जिन किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई, ऐसे किसानों की ओर से कांग्रेस ने माझी कर्ज माफी झाली नाही इसलिए आवेदन भरा है। इसमें किसानों का उत्स्फूर्त सहभाग है, ऐसा उन्होंने बताया। महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के सरचिटनीस तथा राजुरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सुभाष धोटे इनके नेतृत्व में निकाले गए इस मोर्चे में तालुका अध्यक्ष विठल थीपे, चंद्रपुर जिला मध्यवर्ती बैंक के अध्यक्ष विजय पवनी, पंचायत समिति सभापति श्याम रंदीवे, उप सभापति संभाषु कोवे, जिला परिषद सदस्य शिवचंद्र काड़े, विनाताई मालेकर, कल्पना पेचे, पूर्व जिला परिषद सदस्य उत्तम पेचे, सीताराम कोड़ापे, युवक कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष आशीष तेरकर, महासचिव विक्रम एरने, सतीश बेतावर, उमेश राजुरकर, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ललिता गेडाम, दिवाकर बुरडे, सुरेश मालेकर, वहाब भाई, रसूल पटेल, अभय मुनोद, गणेश गुड़े, संजय जाधव, मुरलीधर बल्की, बाड़ा वडस्कर, बंडूभाव धोटे आदि के साथ ही कोरपना तहसील के हजारों किसान और कार्यकर्ताओं ने सहभाग लिया था। साथ ही इस समय राहुल गांधी इन पर हुए हमले का निषेध जताया गया। 200-300 लोक विश्वासी झालेले आहेत। तिथला मुख्यमंत्री जाऊन आला कुठतरी पार्टीचा प्रमुख म्हणून, तर पार्टीचा प्रमुख म्हणून त्या बनासकांडाला भेट देण्यासाठी गेला असता बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला, मोदी मोदी म्हणून नारे लावले आणि कुठतरी आमच्या नेत्याला तिथून भेट देण्यापासून परावृत्त केलं। ही कुठली लोकशाही आणली तुम्ही? तुम्ही महात्मा गांधी नाव घेता, स्वच्छ भारत मिशन म्हणून महात्मा गांधी चष्मा लावता आणि कुठतरी वेगळ्या प्रकारे वेगळ्या राजकारण चाललेलं आहे, त्याची सुद्धा कुठेतरी नोंद घेतली पाहिजे। ते सहन नाही करणार आम्ही। गरबांचा प्रतिपूर्ण सांगितलं की अडवाणी यात्रा काढली, वाजपेयी 5 वेळ प्रधानमंत्री होते, काँग्रेसच्या कुठल्या कार्यकर्त्यांनी काय केलं? माजी अध्यक्ष संपूर्ण प्रमुख कार्यकर्त्याला या पावसामध्ये आणि आज राखीचा दिवस असून सुद्धा सगळ्या लोकांनी एकजूट दाखवून आज इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये इथं आपण उपस्थित झाला आणि कुठतरी आमच्या या मोर्चामुळे वरुण राजा सुद्धा प्रभावित झाला आणि त्याने सुद्धा आम्हाला कुठतरी आम्हाला शेतकऱ्याला खुश करण्यासाठी आज पावसाचे दोन थेंब पडले, ज्याबद्दल मी पावसाचं पण धन्यवाद मानतो, आपल्या सगळ्यात धन्यवाद मानतो। लोक म्हणते आज की बात करो, त्या मन की बात बता रहे तुम, आम्हाला आज कर्ज माहिती पाहिजे, आम्हाला आज नोकरी पाहिजे, आम्हाला आज मदत पाहिजे, त्या गोष्टीवर कोणी विचार करत नाही।